अमित शाह के सामने दो मिनट में ऐसा क्या हुआ कि देखते रह गए। सेना के जवानों ने जीप का कलपुर्जा खोल दो मिनट में कैसे जोड़ दिया। भारत की वीर सेना की सबसे अद्भुत तस्वीर आप पक्का शेयर करेंगे। दो मिनट में मैगी बने या ना बने, लेकिन सेना के जवानों ने ऐसा काम कर दिया कि आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ऐसी ताकतवर तस्वीर हर भारतीय देखना पसंद करता है। मोदी जिस सेना के दम पर पाकिस्तान में बार बार घुस जाते हैं, उस सेना का ऐसा करतब कि अमित शाह भी पलक नहीं झपका पाए। दो मिनट तक देश के गृह मंत्री ताली बजाते रहे। ये तस्वीर आपको अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना, क्योंकि जिन्हें अच्छी नहीं लगेगी वो कौन है सब जानते हैं। दो मिनट में क्या क्या होता है हम आपको एक एक सेकंड के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ अमित शाह बैठे हैं, सामने बीएसएफ के 8 जवान हैं। घड़ी की सुई आप देखते रहें, मात्र 120 सेकंड में एक तूफानी कला आप देखने वाले हैं। अचानक जीप का बोनट जवान खोलते हैं। बोनट खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 4 जवान बोनट खोलते हैं, कुछ जवान टायर खोलने लगते हैं, कुछ जवान जीप के अंदर घुस जाते हैं। अभी तक सब समझते होंगे कि ये तो एक्टिंग हो रही है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे आंखों का धोखा है, कोई जादू है। और कुछ सेकंड बाद ही जीप को चेचिस से अलग कर दिया जाता है और वो उसे उठाकर दूर ले जाते हैं। सेना के जवानों के सामने कोई बाधा आ जाए तो कैसे वो मुश्किल वक्त में निकलते हैं, उसकी लाइव तस्वीरें देश के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी देख रहे थे। जीप का आधा हिस्सा बीएसएफ के जवान उठाकर उस खतरे वाली लाइन की दूसरी तरफ रख देते हैं। फिर इसके बाद जीप का अगला हिस्सा भी खोल देते हैं और देखते ही जीप का टायर भी खतरे की लाइन के पार पहुंचा देते हैं। इससे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि अगले ही सेकंड में जीप को जोड़ने में जुट जाते हैं और कुछ सेकंड में ही जीप को दोबारा चलने की स्थिति में तैयार कर देते हैं। ये देखकर अमित शाह को भी गर्व होने लगता है, एकदम सियासत भूलकर ताली बजाने लगते हैं। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं अमित शाह का रिएक्शन क्या था। कुछ दिन पहले बीएसएफ के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे थे। ये कार्यक्रम बीएसएफ के पराक्रम को देखने के लिए किया जाता है और देश का गृह मंत्री ठीक सामने बैठा होता है। जिस वक्त जवान पूरी जीप को दो मिनट में खोल के दोबारा से जोड़ रहे थे, उस वक्त अमित शाह की पलक नहीं झपक रही थी। ताली बजाते रहे, उम्मीद है आपकी भी पलक नहीं झपकी होगी। दरअसल बीएसएफ की तेजी के कारण ही उसे सीमा पर सबसे पहली सुरक्षा में रखा जाता है। देश की सीमा में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसका पहला सामना बीएसएफ से ही होता है। यही कारण है कि बीएसएफ के जवानों को मात देकर दुश्मन सीमा के भीतर नहीं आ सकता। ये वो तस्वीर है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए, ताकि भारत की सेना का मनोबल ऊंचा हो सके। हम जितनी मेहनत साल भर में करते हैं, उतनी मेहनत बीएसएफ का जवान एक हफ्ते में कर लेता है, इसीलिए सैल्यूट तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।